भैया तुम किसको वोट दोगे? हम देंगे समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को सही दिल से बोल रहे हैं? ऐसे ही सही दिल से अल्ताफ भाई को देंगे। अल्ताफ भाई को दोगे? चार नंबर दबाने का। चार नंबर मुक्ति दिलाने का। किसको मुक्ति दोगे? किसको मुक्ति दिलाने का? किसको मुक्ति दिलाने का? भाजपा को मुक्ति दिलाने का। चलो स्टिकर दिखा दो। इधर आ, इधर आ, इधर आ। तुम किसको दोगे भैया? तुम किसको दोगे? अल्ताफ भाई को। तुम किसको दोगे भैया? अल्ताफ भाई को। अगर आपके हाथ में पावर है तो आप कुछ कर सकोगे, तो हमें उनको अगर पावर होगा विधानसभा में जाएंगे तो हमारे प्रश्न रख सकेंगे वहाँ पे। यहाँ दूसरे कांग्रेस और भाजपा के जो भी विधायक होते हैं उन सबको ग्रांट मिलता है, पर कोई लोग काम करते नहीं है। अगर हम अपने अल्ताफ भाई को अगर विजयी बनाते हैं तो हमारे सारे कॉमन प्रश्न जो है रोड का, टॉयलेट का, सफाई का, जो भी है कॉरपोरेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम, वो सब आपका काम करेंगे। अभी 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, उनका लगना चाहिए। अबू आशमी जी का आना बहुत मुश्किल था, हम सब ने मन्नत रखी, दरगाह पे मैंने चादर मानी और देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टर ने बोला कि सबको बुला लो, आपका जीवन खत्म। और जैसे ही पता चला कि अबू आशमी जी आ रहे हैं वैसे वेंटिलेटर हट गया। डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। हमने बोला डॉक्टर भाई आपसे भी अच्छे खुदा ने हमें यहाँ डॉक्टर भेज दिए। वो डॉक्टर का नाम है अबू आशमी जी। कविता बोल रही हूँ, हम दीवान होंगे क्या। रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, उस दिन से हमारा रिजर्वेशन उठा लिया गया और हम जब से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको भी रिजर्वेशन दो, लेकिन हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। रिजर्वेशन दलितों को है, रिजर्वेशन उनको है, आदिवासियों को है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो सरकार बैठी है ना, इन्होंने रेलवे बेच दिया, अब रेलवे में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मेरा नहीं, रेलवे मुसलमान बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ। अरे मुसलमान तो सिर्फ 2% काम करता है रेलवे में, 98% मेरे मुल्क के गैर मुस्लिम भाई पर काम करते हैं। उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। जो सरकारी नौकरी करते थे 8 घंटे की ना, अब 12 घंटे करनी पड़ेगी, तनख्वाह कम मिलेगी, परमानेंट नौकरी नहीं होगी। एयर इंडिया भी क्या, एयर इंडिया में मुसलमान 1% काम करता है, गैर मुस्लिम मेरे भाई यहाँ के 99% काम करते हैं। अब उसमें नौकरी जो है ना पूरी खत्म हो रही है, अब नौकरी सरकारी नहीं होगी, वो नौकरी होगी टेम्परेरी प्राइवेट, जिसमें तनख्वाह भी कम होगी, 12 घंटे काम करने पड़ेंगे। किसका रिजर्वेशन खत्म हो रहा है? वो लोग चुपचाप बैठे हुए, जागो आप लोग। सारा का सारा मामला बेचा जा रहा है देश को। ना देश को झुकने भी नहीं दूंगा, देश को बिकने भी नहीं दूंगा। देश झुक गया, चाइना वाले आगे कब्जा कर रहे हैं, देश बिक गया, सारी प्रॉपर्टी बेची जा रही है। अच्छा क्या, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि आज जो है कोई वादा पूरा नहीं कर रहा है। आज पैदा हुए जो बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, गुजरात में नए बच्चों के पैदा होने का 11वां नंबर है। सेकेंडरी स्कूल में इसका रजिस्ट्रेशन में गुजरात का 22वां नंबर है। हायर एजुकेशन में पचे जो शरीफ होना, जल्दी आ जाओ, तालियां बजा के स्वागत करो जो लोग आ रहे हैं। इस्तेमाल करो इसका, तालियों से इस्तेमाल किया जाए। सारे साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में शरीक होने के लिए आ रहे हैं। मजहर पटेल साहब अपने साथियों को लेकर कांग्रेस में से समाजवादी पार्टी में दाखिल हो रहे हैं। तालियां बजा के स्वागत कीजिए जो लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने आ रहे हैं। मजहर पटेल साहब जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद।
अपने साथियों के साथ जहाँ शरीर हो जोड़ कर हम तुम्हारे साथ हैं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे और खड़े भी रहे भैया। जेनोसाइड के जो 10 पॉइंट होते हैं, भारतवर्ष 8 पॉइंट पार कर चुका है। मतलब कि खून की नदियां बहेंगी। आपने देखा इसके पहले बर्मा में कितने लोग मारे गए, आपने देखा होगा। इसी तरह से कई मुल्कों का वो जिसके प्रेसिडेंट है कहते हैं कि मैंने इन सब मुल्कों के बारे। बिल्किस बानो का केस इतना शर्म वाला कि पूरी दुनिया हंस रही है कि हिंदुस्तान में कोई हुकूमत है कि नहीं है। बिल्किस बानो के केस में मां की गुजरात में इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसका मुकदमा चलाया गया महाराष्ट्र में, और सजा होने के बाद भी इन जानियों को, इन बलात्कारियों को सबको छोड़ दिया गया। ये कौन सा कानून है, क्या हो रहा है देश के अंदर। इसलिए मैं एक बात कहने आया हूं दोस्तों, हम चाहते हैं इस मुल्क में अमनो अमान रहे, हर आदमी ईमानदारी से अपने बाल बच्चों को खुशी से पाले, हर आदमी के पास कम से कम रहने के लिए 2 कमरे का घर हो, उसकी इतनी आमदनी हो कि जब उसे किसी चीज की जरूरत पड़े, घर में कोई बीमार हो, बच्चे स्कूल। हुकूमत से मेहरबानी की उम्मीद भी नहीं रखते, हम सिर्फ इस मुल्क के कानून के मुताबिक इंसाफ की मांग करना चाहते हैं। इंसाफ होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। इसलिए मैं एक बात कहने आया हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक जाकर गांव गांव में जाकर के 100-150 आदमी जमा करके मुसलमानों के बारे में गैर मुस्लिमों के पास गलत बयानी करके हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहते हैं, झूठ को सच बनाना चाहते हैं। मुसलमान गद्दार हैं, लव जिहाद के नाम पर मुसलमान हिंदू लड़कियों को पढ़ाकर शादी करके उनको जो है ना मुसलमान बनाना चाहते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल। केरला की कोर्ट में NIA ने चेक कर लिया, मुसलमानों का कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिसका नाम लोगों को मारा जा रहा है। अच्छा बताओ तुम लोग वोट किसको दोगे? अल्ताफ भाई को। अल्ताफ भाई को तुम किसको दोगे? अल्ताफ भाई जय हिंद। अल्ताफ भाई जय हिंद। है तुम्हारे घर में वोट किसको देंगे? अल्ताफ भाई को। अल्ताफ भाई को। अल्ताफ भाई का निशान क्या है? साइकिल निशान है। अल्ताफ भाई का निशान क्या है? साइकिल निशान है। मालूम है सही से है? हाँ, किसकी टोपी? अल्ताफ भाई की। हाँ, अल्ताफ भाई को वोट देना है। अब की भारी से भारी मतों से